नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मेरी शैक्षिक योग्यता BA और प्रशिक्षण योग्यता DED है। मुझे शिक्षा में 1 वर्ष का अनुभव है। मेरे जिले की पहचान यह है कि यह श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यह पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। मैं प्राथमिक विद्यालय चांदपुर कला में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 156 विद्यार्थी पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या यह थी कि मेरे विद्यार्थी गणित विषय को बिल्कुल भी रुचि से नहीं पढ़ते हैं और कुछ टॉपिक्स उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सके। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया। प्रशिक्षण के दौरान एक ऐप डाउनलोड किया गया, ZIIEI ऐप, जिसे हम कक्षा में पढ़ाने से पहले अपने टॉपिक्स के लिए विभिन्न गतिविधियां उसमें देख सकते हैं और उन गतिविधियों को कक्षा में संचालित करके विषय को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत सारी गतिविधियां दी हुई हैं जिन गतिविधियों का प्रयोग हम कक्षा में अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और विषय को काफी रुचिपूर्ण बना सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी कई तरीके सीखे, जैसे जूम ऐप, गूगल मीट ऐप जैसे। प्रशिक्षण के दौरान मुझे पता चला कि मेरी समस्या जो बच्चों को गणित विषय के को रुचिकर बनाने की है, उसमें हमें बताया गया कि हम शिक्षा में विद्यालय के उपलब्ध जो भौतिक संसाधन है उनका प्रयोग करके गणित विषय में सभी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं और शून्य नवाचार द्वारा भी हल कर सकते हैं। इस समस्या को हल करने में ZIIEI के प्रशिक्षक विपिन कुमार सर ने मेरी मदद की। आशा करती हूँ कि मैं अपने विद्यालय में इन नवाचारों का प्रयोग कर अपने विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल बनाऊंगी। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को इस मंच को प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।